आप लोग कभी तिरुपति बालाजी गए हो? गए हो। तिरुपति बालाजी में जो भगवान बालाजी हैं, उनकी आंख बंद है, है ना? नहीं ध्यान दिया कभी? वो दर्शन करने देते नहीं है, चलो 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 चलो, है ना? योग और चलो 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 चलो, इतने आदमी देख नहीं पाता। हमारे वृंदावन में बढ़िया, बाकी बारी को देखकर खड़े रहो महाराज, खड़े रहो महाराज, घंटों लोग खड़े रहते हैं, जाने क्या क्या बतराते रहते हैं, और वहां तो चलो 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 चलो। वो ठाकुर पैसे वालों का ठाकुर है, वो ठाकुर पैसे वालों का ठाकुर है। वहां तुम सेवा अगर दे दोगे तो महाराज घंटों खड़े रहोगे। लेकिन हमारे बांकी बिहारी में भैया कोई राजा भी आता है, रंक भी आता है, वो भी खड़ा होकर बांकी बिहारी को निहारता रहता है। तो बालाजी में आप देखो, वो जो ठाकुर हैं उनके नेत्र बंद रहते, आंख पर चंदन लगा रहता है, और बैकुंठ में भी ठाकुर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी के पैरों को दाबती रहती है, नेत्र बंद रहते हैं। बोले फिर क्या होता है? बोले जब कभी किसी पर कृपा करने की जरूरत होती है तब लक्ष्मी पैर दाबते दाबते महाराज पैर जरा जोर से दाबने लग जाती है, पैर को जोर से दाबती। भगवान कहते क्या बात है, क्या बात है? जैसे आंख खोलते हैं लक्ष्मी जी कहते हैं, बोले प्रभु ये भक्त आया, इस पर जरा कृपा तो कर दो महाराज, इस पर जरा कृपा कर दो। तब कहलवाकर ठाकुर को उठाकर जबरदस्ती उस भक्त का कल्याण करा देती हैं। ऐसी श्री है, ऐसी राधा है।